आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सामने प्रेजेंट है ऑल न्यू बजाज की एवेंजर स्ट्रीट 160 का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल 2023 वाला वेरिएंट, जो कि फ्रेंड्स इसका E20 अपडेटेड वाला मॉडल है। और आज आपको हम फ्रेंड्स बताने वाले हैं इस बाइक के यहाँ पे बेस्ट फाइनेंस ऑप्शन के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइक यहाँ पे सबसे लेटेस्ट जो मॉडल है अभी यहाँ पे 2023 का वो हमारे सामने अवेलेबल है। रेड और ब्लैक कलर, यहाँ पे दो कलर ऑप्शंस में आपको बाइक मिल जाती है। ग्राफिक्स आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ही न्यू आपको मिलता है, एवेंजर का यहाँ पे आपको लोगो मिल रहा है। और फ्रेंड्स बाइक यहाँ पे देखने में आपको काफ़ी अच्छी मिलती है लुक्स वाइज। फ्रंट के अगर आप इसके डिज़ाइन को देखते हैं तो एक छोटा सा वाइजर आपको दिख जाएगा, लाइट्स यहाँ पे आपको मिलता है बल्ब में, इंडिकेटर्स भी कंपनी बल्ब में ऑफर करती है। और यहाँ पे जो आपको फ्रेंड्स फ्रंट का अलॉय व्हील्स है वो काफ़ी प्रीमियम मिलता है। यहाँ पे अगर आप फ्रंट के सस्पेंशन को देखते हैं तो आपको मिल जाता है टेलीस्कोपिक, जो कि रिफ्लेक्टर्स के साथ आ रहा है। और यहाँ पे सिंगल हॉर्न का यूज़ किया गया है। बाकी अगर आप सीट्स की कुशनिंग को देखते हैं तो वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, मतलब बैठने के बाद आपको एक अच्छा कंफर्टेबल यहाँ पे सिटिंग पोस्चर मिलेगा। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स पे रबर वर्क किया गया है। बाकी अगर आप रेयर के फ्रेंड्स यहाँ पे अलॉय व्हील्स को देखते हैं तो आपको मिलता है 130 सेक्शन का टायर, जो कि 130/90 का है, 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स पर माउंट है। और यहाँ पे रेयर का सस्पेंशन एडजस्टेबल है। ओपन चेन सिस्टम के साथ बाइक आ रही है और इसमें आपको मिलता है यहाँ पे फ्रेंड्स 5 स्पीड गियरबॉक्स का सेटअप। बाकी मीटर कंसोल अगर आप देखते हैं तो एनालॉग प्लस डिजिटल के कॉम्बिनेशन में है। इस साइड में आपको मिलता है इंजन किल स्विच, यहाँ इलेक्ट्रिक स्टार्ट, इस साइड में हाई बीम लो बीम पास इंडिकेटर्स और हॉर्न। बाकी एक यहाँ पे एवेंजर की बैजिंग आपको दिखेगी। तो लुक्स वाइज फ्रेंड्स कुछ ऐसा आपको हैंडल बार मिलता है, यहाँ पे फ्यूल लेवल शो करता है और यहाँ पे आपको मिलता है फ्यूल टैंक, जो कि अब E20 पेट्रोल को सपोर्ट करेगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आप व्यूज़ ले पा रहे होंगे बाइक का, काफ़ी अच्छा आपको लुक्स जो है वो मिलता है। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं इस बाइक के यहाँ पे फाइनेंस के बारे में, क्या कुछ इसका EMI रहेगा, डाउन पेमेंट क्या जाएगा और ऑन रोड प्राइस क्या है। तो अभी यहाँ पे हमारी हेल्प करेंगे भैया, जो कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ। ठीक है, तो अभी हम अगर एवेंजर की बात करते हैं तो इसका ऑन रोड प्राइस क्या जा रहा है? अभी एवेंजर की ऑन रोड प्राइस 1,46,626 रुपीज़। ठीक है, तो ऑन रोड प्राइस में क्या क्या इंक्लूड रहता है? RTO इंश्योरेंस। RTO इंश्योरेंस। और अगर हम इस बाइक को फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि मतलब इसके लिए हमें जो है वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर आना होगा? आधार पैन पासबुक मैंडेटरी है, अगर बैंक पासबुक नहीं भी है तो आधार पैन से लॉगिन हो जाता है। हो जाएगा, ठीक है। और मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 21। तो आप हमें दो स्कीम बताइएगा, एक पहले बताइएगा 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला और दूसरा बताइएगा लो डाउन पेमेंट वाला, क्योंकि दोनों टाइप के कस्टमर जो है वो मतलब कमेंट करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि मतलब ईजी हो जाता है लोगों को फाइनेंस करवाना। तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि अगर हम लो डाउन पेमेंट में बाइक को लेना चाहते हैं तो हमें डाउन पेमेंट कितने का करना पड़ेगा? अगर लो डाउन पेमेंट में अगर बाइक आप लेना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं आपको, इससे लो डाउन पेमेंट में आपको पड़ेगा 13,876 रुपीज़ आपको DP डाउन पेमेंट लग जाएगी बस। इसमें दो आपको EMI आपका मिलेगा, एक 36 मंथ का एक मिलेगा और एक 42 मंथ का मिलेगा। ठीक है, 36 मंथ वाले में पड़ेगी आपको EMI 5,406 रुपीज़। ठीक है, ओके। और 42 मंथ में मिलेगी आपको 4,891 रुपीज़। अच्छा, और अगर हम ऐसे बात करते हैं मतलब कि इस स्कीम में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? 9.99 रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो अगर हम मतलब 9.99 में इस बाइक को लेते हैं और अगर जैसे हम और थोड़ा ज़्यादा डाउन पेमेंट अगर करना चाहते हैं तो उसमें क्या हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ कम होगा? अगर आप लो हाई डाउन पेमेंट आप करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कम लगेगा आपको, और 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको निकल जाएगा गाड़ी। 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 0% निकलेगा। और अगर जैसे हम मतलब 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर परचेस करते हैं तो हमारा डाउन पेमेंट क्या आ जाएगा? हाई आपको लो डाउन पेमेंट आपको हाई करना होगा पेमेंट आपको, तो उसमें आपको पड़ जाएगा, मैं बता देता हूँ, उसमें आपको लगभग आपको 84,612 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। इसमें आपको 12 मंथ का आपका EMI रहेगा और EMI आपका पड़ेगा 6,083 रुपीज़ 12 मंथ का। 12 मंथ के लिए, तो इसमें मतलब मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो 12 मंथ का मैक्सिमम ड्यूरेशन है। और इसमें जो है वो हमारा डाउन पेमेंट एक्जैक्टली कितना आपने बताया था कि आएगा? 84,612 रुपीज़, मतलब लगभग 85,000 लगभग। तो इसमें थोड़ा डाउन पेमेंट मतलब ज़्यादा आ जाता, ज़्यादा है, ज़्यादा लगेगा, ऑलमोस्ट मतलब 50% के अप्रॉक्स में लग रहा है आ जाता है ना। yes. तो इसमें अगर हम टाइम और ज़्यादा लेना चाहते हैं तो ऑप्शन मिलता है क्या वैसा कुछ? टाइम अगर ज़्यादा लेना चाहते हैं 12 मंथ, क्योंकि आप हाई डाउन पेमेंट करेंगे तो 12 मंथ में ही आपका सारा चीज प्रोसेस कम्प्लीट, क्योंकि आपका गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस है 1,46,000 ही है और आप 85,000 आप पे ही कर देंगे तो बचेगा लोन अमाउंट तो बहुत कम बचेगा ना, तो आप 12 मंथ का ड्यूरेशन में ही कम्प्लीट हो जाएगा सारा चीज। अच्छा, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी देना पड़ता है क्या? इसमें आपको इनकम डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, इनकम प्रूफ, इनकम जैसे सैलरी स्लिप या फिर ITR वगैरह कुछ भी। तो मतलब अगर सैलरीड पर्सन है तो इजीली हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, स्टेटमेंट से भी काम चल जाएगा। और अगर बिजनेसमैन है तो ITR देना होगा, ITR देना होगा। ठीक है, बाकी अगर हम न्यू मॉडल के बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो अभी जैसे यहाँ पे इसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग मतलब पसंद कर रहे हैं या नहीं? हाँ, पसंद कर रहे हैं, कि बहुत सारे कस्टमर आते हैं इंक्वायरी करके जाते हैं। और बाकी अगर कलर ऑप्शंस की बात करते हैं तो अभी कितने कलर ऑप्शंस आ रहे हैं?
इसमें अभी आपको दो कलर मिल जाएगा, एक रेड में है, एक ब्लू में है, एक ब्लैक में होगा। तो मतलब अभी यहाँ पे हमें रेड और जो है वो ब्लैक दो कलर ऑप्शन मिल जाता है। मिल जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल में अगर हम बाइक फाइनेंस में देखते हैं तो मतलब आपके हिसाब से भी बेस्ट स्कीम कौन सा रहेगा, किसके साथ जाने से हमारा जो है वो कुछ पैसा सेव हो जाएगा? देखिए, अभी आपको हाई डाउन पेमेंट जैसे आपको 0% इंटरेस्ट में है वो आपको बेटर रहेगा कस्टमर के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। कस्टमर को डीपी ज़्यादा पड़ रहा है लेकिन इंटरेस्ट भी तो कम पड़ रहा है, जीरो इंटरेस्ट में आपको बाइक मिल जाएगा ना, तो आपको वो बेटर रहेगा। और अगर जैसे हम 50-60,000 रुपीज़ अगर डाउन पेमेंट करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे आप लो डाउन पेमेंट जैसे आप 50,000 आप पे करते हैं तो उसमें भी 9.9 ही लगेगा। अच्छा, 9.9 ही लगेगा। बस उसमें क्या है कि हमारा जो ईएमआई है मंथली वो कम आएगा, कम हो जाएगा। जो लो डाउन पेमेंट वाला है उसके कंपैरिजन में इसमें ईएमआई कम रहेगा, ठीक है। तो बाकी अगर ओवरऑल में हम देखते हैं फेस्टिवल सीजन में अभी, तो मतलब बेस्ट टाइम कब रहेगा बाइक लेने का? अभी परचेस कर ले या कुछ टाइम वेट करके लेना सही रहेगा? देखिए, अभी भी परचेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं अभी बोलूँगा कि आप फेस्टिवल में ही परचेस करें, अभी भी परचेस कर सकते हैं। आपको अगर मैंने तो फेस्टिवल में ऑफर फेस्टिवल में भी रहता है, अभी भी सेम ही ऑफर है, जो ऑफर अभी फेस्टिवल में भी सेम ही ऑफर रहेगा। तो मतलब फेस्टिवल में अभी कुछ चेंज होगा ऑफर और बढ़िया कुछ ऑफर समय मिलेगा क्या? अभी तो ऐसा कुछ खास नहीं है, जैसा अभी स्कीम जो चल रहा है अभी वो हमको ऐसा लग रहा है कि फेस्टिवल तक ही सेम ही स्कीम चलेगा। अच्छा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब जैसे जैसे फ्रेंड्स अभी जो न्यू ऑफर्स आते जाएगा आपको हम अपडेट करते जाएंगे। भाई बाकी भैया का जो है वो स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे। अगर आप ग्रिड एरिया से बिलोंग करते हैं तो फ्रेंड्स आप बैद्यनाथ बजाज में आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको बाइक का स्टॉक्स मिल जाएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।